रुड़की के पास बसे गांव सालियर में एक महिला ने अपने लिए देश की सरकार से नागरिकता की अपील की है, पर अब तक उस पर सरकार विचार कर रही है। दरअसल अब से 8 वर्ष पहले कविता का परिवार पाकिस्तान के इस्लामाबाद से अपने पूरे परिवार के साथ उत्तराखंड के देहरादून में आकर रहने लगा था। उस वक्त ये परिवार बाकायदा पासपोर्ट बनवाकर हिंदुस्तान आया था, जिसके बाद कविता का विवाह रुड़की के सालियर के रहने वाले सौरभ के साथ कर दिया गया। कुछ वर्षों तक तो सब कुछ ठीक रहा। इसी बीच कविता के 2 बच्चे भी हो गए और उनका पहचान पत्र और राशन कार्ड भी बन गया था। पर अब जैसे ही इसकी भनक खुफिया विभाग को लगी तो उन्होंने कविता का पहचान पत्र कैंसिल करवा दिया और राशन कार्ड भी कैंसिल करवाने की बात कही है। इसी बात को लेकर अब सौरभ और उसके परिवार को चिंता सताने लगी है कि कहीं उसकी पत्नी को पाकिस्तान तो नहीं भेज दिया जाएगा। अब इसी चिंता के चलते उसने देश के अधिकारियों से भारत की नागरिकता मांगने की मांग भी की है। कविता के अनुसार उसे और उसके परिवार को पाकिस्तान में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिससे परेशान आकर यह परिवार पासपोर्ट बनवाकर भारत आ गया था। पर अब उसके सामने खुफिया विभाग ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। देखने वाली बात यह है कि क्या कविता और उसके परिवार को देश की नागरिकता मिलेगी या उसे वापस पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। हमारा नाम हम वासिर आए पाकिस्तान से, जिला अदारा जिला हमारे हो गए यहाँ 10 साल देहरादून में, शादी हमारे 4 साल हो गए यहाँ। तो हम लोग परेशान थे, दिक्कत थी हमें लोग यहाँ इस वजह से आए, तो शादी तो हमें ज़रूर करनी थी यहाँ, कोई मुमदन तो बन नहीं सकते थे हम। वहाँ हम लोगों को परेशानी थी, यहाँ हमें ना आधार कार्ड बन रहा हमारा, ना हमें राशन कार्ड बन रहा, पति हमारा गरीब है, बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है उसे, क्या बहुत परेशानी हमें बार बार उन्हें कोई वो करने। पाकिस्तान में ये दिक्कत थी, वहाँ मुसलमान लोग हमें परेशान करते थे, ना हमें ना हम पढ़ाई कर सकते थे, ना हम बाहर जाने से भी दिक्कत थी, हमें सब प्रॉब्लम थी। तब हम अपने जमीन जायदाद सब छोड़ के आ गए हम लोग वहाँ पे। यहाँ क्या पासपोर्ट बनवा कर आए? हाँ जी, पासपोर्ट बना के आए थे इस्लामाबाद में। कितने साल हो गए शादी को आपकी और अब क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? 4 साल हो गए यहाँ पे हमारी शादी के। अब आप बनवाने जाते हैं अपने कागजात तो क्या आपको कहते हैं? LIO में हमें परेशान कर किया जाते, कागज दे रखे हमें। एक मिनट एक मिनट, क्या कहना है अधिकारियों का जब आप जाते हैं अपने कागज बनवाने के लिए? कागज में यही कहते हैं कि थोड़ा आपकी इंटरव्यू लगेगी, अभी आपको नहीं है, पहले हमें पता नहीं था, हमने राशन कार्ड इन लोगों ने बना लिया था, हमें सर जी ना इन लोगों को कोई वो पता था, ना हम लोगों को पता, ना हमें गलती हो गई थी, गलती में हमने बना लिया। तो अभी हमें तो भी हमें भी तो राशन कार्ड चाहिए, गरीब आदमी हम भी सोचे कि हमारा कोई राशन पानी आवे। आपका जो मायका है वो कहाँ रहता है फिलहाल, सामने देख के बताओ। हाँ जी, हाँ मायका कहाँ रहता है आपका? मायका देहरादून। देहरादून कितने कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में भाई है, बहन है, भतीजी है, 2 बहनों की शादी हुई है बम्बई में। फिलहाल फैमिली में आपके कितने कितने लोग हैं यहाँ पे? कौन कौन है यहाँ पे 7। अच्छा, क्या राशन कार्ड वगैरह से कुछ नहीं मिलता अभी? अभी राशन कार्ड जो बनवाया था जी, फिर उन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया हमने। सौरभ शर्मा है, शादी हुई थी मेरी 5 अक्टूबर 2014 में, ठीक है सर। और हम मुझसे बस ये गलती हुई थी कि मैंने पहचान पत्र बनवा लिया था और राशन कार्ड भी बनवा लिया था, फिर मेरे पे LIO की इंक्वायरी आई, ठीक है। तो मुझे उसमें पता लगा कि ऐसे ऐसे होता है, मतलब जो बाहर से आदमी आते हैं। शादी कहाँ की थी? शादी देहरादून से ही हुई थी। कहाँ की रहने वाली हैं ये? हमें तो देहरादून ही पता था, ठीक है सर, लेकिन हमारे वहाँ पे मौसी रहती थी, उन्होंने रिश्ता करवाया था हमारा देहरादून से, तो हमें तो यही पता था। फिर हमारी शादी होगी, मुझे तो बाद में पता लगा है कि ये पाकिस्तानी है, और जब तक मैं इनका पहचान पत्र वगैरह और राशन कार्ड बनवा चुका था, फिर मेरे पास LIO की इंक्वायरी आई, फिर उसके बाद मुझे पता लगा, उन्होंने मुझे वो मतलब बोला उन्होंने मुझे कि भाई ये रिजेक्ट करवाओ अपने पहचान पत्र और ये राशन कार्ड वगैरह। तो अब सर मैं कोशिश में लगा हूँ, लेकिन मैंने पहचान पत्र तो रद्द करवा दिया है, लेकिन मेरा राशन कार्ड नहीं अभी तक रद्द हुआ है। क्या कहना है? और अधिकार वाले बोल रहे हैं कि अभी साइड नहीं खुल रही है। ऐसे ऐसे मैं रोज फोन करता हूँ और बहुत परेशान हूँ सर। क्या तुम्हारी वाइफ को वापस भेजने की बात भी कर रहे हैं जी? पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये सब कोई नहीं वो बोलता, मैं झूठ क्यों बोलूँ? ऐसा मुझे अभी तक किसी ने कोई नहीं दबाव दिया है मेरे पास, लेकिन ये बोलते हैं कि अपनी वो करा लो, अपना रद्द करा लो राशन कार्ड वगैरह, नहीं तो फिर मुकदमा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ऐसा मतलब नया राशन कार्ड बनने की बात कहते हैं। नहीं नहीं, अभी तक कोई नहीं इस बारे में चर्चा हुआ। कौन से साल में आपने शादी? सन 2014 में 5 अक्टूबर, ठीक है।